आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। संकट पर सुरक्षा परिषद की आपात बैठक शुरू। यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को खतरे की चेतावनी, एयरपोर्ट किए गए बंद। मॉस्को दौरे पर गए इमरान खान, अमेरिकी ने दी हिदायत, कहा रूस के विरोध में उठाए आवाज। आज अमेठी और प्रयागराज में रैली करेंगे पीएम मोदी। यूपी चुनाव में राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत, अमेठी में पीएम मोदी तो प्रतापगढ़ के कुंडा में अखिलेश यादव करेंगे चुनाव प्रचार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने राजकीय सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचकर चंपावत हादसे में घायल हुए लोगों का हाल जाना। वहीं डॉक्टर को निर्देशित करते हुए कहा कि दुर्घटना में घायल सभी लोगों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी और घायलों के इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर को बख्शा नहीं जाएगा। 14 लोगों की वहाँ पर मृत्यु हो गई है और एक ये दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक अस्पताल में जो ड्राइवर थे भी उनको देखने आए, अभी डॉक्टरों ने बताया कि ठीक है, पहले से हालत में उनकी सुधार है, एक दो दिन में जनरल वार्ड में आ जाएंगे। जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों, सभी से भगवान से प्रार्थना है कि ये जल्दी स्वस्थ हों और जो लोग जिनकी मृत्यु हो गई है उनको सबको भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पारिवारिक माता पिता हैं, किसी का बेटा गया है, किसी की बेटी गई है, किसी के पिता गए हैं, किसी की माँ गई है, सभी को भगवान इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और अपने स्तर से, सरकार के स्तर से जो हर संभव जो भी सहायता हो सकती वो सहायता हम लोग कर रहे हैं और उसके लिए सबको निर्देशित किया है। अभी उसकी जाँच चल रही है, क्योंकि रात्रि को बारात से लौट रहे थे वो लोग, टनकपुर से लौटे हैं, क्योंकि हादसे की जाँच अभी चूँकि जाँच हो रही है, उसके बाद ही पता लगेगा। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बूडम ककनई गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। गांव वापस लौट रही बारात के वाहन के खाई में गिर जाने से 14 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री धामी ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले मृतक परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। दुखद घटना है और आज मैं सभी परिवारों में गया हूं, सभी को ढांढस बंधाया जो हर संभव जो भी सहायता होगी प्रशासन के स्तर पर वो सभी जरूरी इंतजाम करने को कहा गया है। सर, सड़क दुर्घटनाएं रुकने के लिए प्रयास किस तरह किए जाएंगे, जो डेंजरस पॉइंट हैं, जो ओवरलोड गाड़ी अक्सर पहाड़ों में हमें देखने को मिलती जाती है? इसमें देखिए थोड़ा सा, क्योंकि एक तो सबसे पहले सभी लोगों को खुद भी ध्यान देना होगा और उसके साथ साथ जो हमारा गेट इत्यादि है जो रात्रि में बंद हो जाते हैं, उन गेटों को भी पूरी सख्ती के साथ जो नियम है जो उसके समय सीमा है उस समय सीमा पर वो काम करें, उस समय सीमा से ज़्यादा न खोले जाएं, उन सभी पर हम लोग कहेंगे। और जो सवारियां जो हमारे यहाँ ज़्यादा होती हैं उन पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, हमारा परिवहन विभाग इसमें। खबर लक्सर से है, जहां टायर फैक्ट्री में आग में झुलसकर 22 साल के युवक की मौत की मजिस्ट्रेशियल जांच शुरू हो गई है। वहीं एसडीएम ने दमकल और पुलिस विभाग की टीम के साथ फैक्ट्री पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया, साथ ही उन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों के बयान भी दर्ज किए। वहीं इस दौरान एसडीएम ने बताया कि अभी कुछ और लोगों के बयान दर्ज किए जाने हैं, जिसकी जाँच की रिपोर्ट जल्द ही जिला प्रशासन को भेज दी जाएगी। 3 जनवरी को जेके टायर कंपनी में आग लगने से दुर्घटना हो गई थी और वहाँ पर एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी। इसी संबंध में जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में मजिस्ट्रेट जांच की जा रही है, तो उसमें अग्निशमन विभाग के अधिकारी हैं, पुलिस विभाग के अधिकारी हैं और स्वयं मेरे द्वारा आज जाकर वहां पर मौके पर निरीक्षण किया गया। जो भी इसमें व्यक्ति हैं उनके इसमें बयान नोट किए जाएंगे और उसके बाद जो पुलिस अग्निशमन से रिपोर्ट ली जाएगी, उसके आधार पर जो भी निष्कर्ष निकल के आएगा उस पर उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
उत्तराखंड में कोरोना के 156 नए मामले मिले हैं, जबकि 206 मरीजों कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो गए हैं। हरिद्वार में कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत हुई है, वहीं कोरोना संक्रमण 1.56% रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बुधवार को निजी व सरकारी लैब से 10,010 सैंपल की रिपोर्ट मिली, जिनमें से 9,854 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। देहरादून में सबसे ज्यादा 53 मामले मिले हैं। राज्य में अब तक कोरोना के 4,35,650 मामले आए हैं, जिनमें 4,17,550 लोग स्वस्थ हो गए हैं। चंपावत के बनबसा क्षेत्र से लगे भारत नेपाल सीमा पर ग्राम गुदमी में जंगल से शिकार करने आया गुलदार भटक कर जंगल और आबादी क्षेत्र में के बीच पहुंच गया। पहाड़ी नाले के किनारे खेत की तारबाड़ में फंस गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन अधिकारी को दी। वहीं गुलदार के फंसे होने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और वन विभाग की टीम ने गुलदार का रेस्क्यू किया। हमने जो तेंदुए को रेस्क्यू किया है, ये ठंडा नाला कहते हैं, नेपाल बॉर्डर और भारत नेपाल सीमा की जगह है यहाँ पे। तो मेरे यहाँ के जो बीट अधिकारी हैं दीपक कुमार ने मेरे को सूचना दी कि सर ऐसा सा मामला है करके, तो मेरे द्वारा तुरंत जो खटीमा से अपने जो है रेस्क्यू टीम को लेकर के जो है यहाँ पे मौके घटनास्थल पर पहुंचे। हमारे द्वारा जो है लेपर्ड को जो है उसको रेस्क्यू कर लिया गया है और इसको सुरक्षित जो है हम लोग जो है रानीबाग जो है रेस्क्यू सेंटर में उपचार के हेतु। रुड़की में पुलिस ने युवक की हत्या में खुलासा किया। हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी के भाई झबरेड़ा पुलिस चाकू समेत गिरफ्तार किया। एसपी देहांत परमिंदर सिंह डोभाल ने बताया कि 20 जनवरी को झबरेड़ा थाना क्षेत्र में युवक की हत्या की गई है और छोटे भाई ने ही भाई को मौत के घाट उतारा है। भाई के द्वारा छोटे भाई की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद से ये लगातार फरार चल रहा था। पुलिस के द्वारा इसकी अरेस्टिंग की जा चुकी है। पूछताछ के दौरान इसने बताया कि अपने ये पुत्र को जो अपने चाचा के साथ बाहर गया था और लेट आने पर उनका झगड़ा हुआ और झगड़ा मारपीट पर बदल गया और मारपीट के बाद हुई इसके द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो पुलिस ने जो भी इसकी विधि सम्मत कार्रवाई है पुलिस उसमें कर रही है और सभी पहलुओं की जाँच की। क्या कोई किसी तरह की रंजिश का कोई ऐसा मामला नहीं है। हरिद्वार में आने से व्यापारियों के चेहरे पर खुशी की लहर आ रही है। आपको बताते चले कि शिवरात्रि को लेकर हरिद्वार हर की पैड़ी में गंगा जल को लेकर शिव भक्त अपने अपने क्षेत्रों में बने शिवालयों पर कावड़ के माध्यम से जल अर्पित करते हैं, जिसके चलते हर वर्ष कावड़ का मेला आयोजित किया जाता है। वहीं हरिद्वार में शिव भक्तों का आगमन तेजी से हो रहा है, जिसको देखते हुए हरिद्वार के व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि उन्हें एक लंबे अंतराल के बाद व्यापार में अपार संभावनाएं दिख रही हैं। पहले से काफ़ी अच्छा चलेगा, क्योंकि सरकार ने कोविड नियमों में भी काफ़ी ढील दी है और इलेक्शन भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। इससे निश्चित रूप से हरिद्वार में जो व्यापार में बहुत अच्छी उन्नति हुई। कोविड की जो तीसरी लहर है वो तो पूरे देश में प्राय समाप्ति की ओर है और इससे जो है हरिद्वार के बिजनेस में भी, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक में हिजाब का विरोध करने के कारण समुदाय विशेष की तरफ से बजरंग दल कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या की गई थी। इस मामले में रुड़की में भी बजरंग दल के कार्यकर्ता व भाग मंत्री विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में एकत्रित हुए, इकट्ठा होकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विभाग मंत्री शिव प्रसाद त्यागी ने कहा कि बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की तरफ से संवैधानिक तरीके से शिक्षण संस्थानों में हिजाब का विरोध किया था, इसी कारण मॉब लिंचिंग कर चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल इस मामले में हिंदू समाज के लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश व्याप्त है। ये कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष की जो निर्मम हत्या हुई है इस्लामिक जिहादियों द्वारा, उसी विषय में हम लोग आज महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन देने आज SDM ऑफिस पहुंचे। बजरंग दल की मांग है कि दोषियों को फांसी और हर्ष के परिवार को जो है मुआवजा मिलना चाहिए। है उन्होंने जघन्य हत्या की और मात्र उसका अपराध इतना था कि एक जो अभी राष्ट्रव्यापी एक मुद्दा हुआ है हिजाब का, सिर्फ उसने कहा था कि स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए और इतने भर कहने से और फेसबुक पोस्ट डालने पर उसकी जिहादी मानसिकता के लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई। इसकी बजरंग दल पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व स्तर पर निंदा करता है और जगह जगह धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम चल रहे हैं। आज इसी निमित्त हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और सामूहिक रूप से आज एक महामहिम अपने राष्ट्रपति जी को SDM महोदय के द्वारा ज्ञापन प्रेषित करेंगे।
हरिद्वार के भेल में बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी दी गई। जानकारी देते हुए एसपी क्राइम मनोज कल्याल ने बताया कि मतदान के बाद जो स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं, साथ ही पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। उन्होंने बताया कि स्ट्रॉन्ग रूम को अति संवेदनशील मानते हुए उसकी सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। मतदान के पश्चात जहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है, चुनाव की संवेदनशीलता के दृष्टि से वहाँ पर कड़ी सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं, उसको समय समय पर अधिकारीगण चेक कर रहे हैं और वहाँ पर पूरी सुरक्षा एहतियात बरती जा रही है। बकायदे सीसीटीवी के माध्यम से वहाँ सुरक्षा की जा रही है ताकि जो भी वहाँ पर चुनाव से संबंधित सामग्री है पूर्ण सुरक्षित हो। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।